हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीसीएफ ने वन चौकी व वाच टावर का किया निरीक्षण। मुख्य वन संरक्षक वीआर मूर्ति आबू रोड पहुंचे, जहां उन्होंने देलदर के वन चौकी के साथ वाच टावर का निरीक्षण किया, आवश्यक जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीसीएफ मूर्ति ने पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में टीएडी के मद से किए पौधारोपण का जायजा लिया। इसके बाद वो भाकर क्षेत्र में 32 नाला बांध के पास देलदर वन चौकी पहुंचे, वन चौकी का जायजा लिया, साथ ही वाच टावर से वन क्षेत्र का जायजा लिया। अधिकारियों से वन क्षेत्र में विभाग की ओर से करवाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। डीएफओ डॉक्टर शरद बाबू व क्षेत्रीय वन अधिकारी हरचंद राम परमार से विभागीय योजनाओं के साथ ही संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद सीसीएफ आबू रोड अंबाजी मार्ग स्थित हीरापुरा वन चौकी पहुँचे, जहाँ उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण व अधिकारियों से रूबरू होने के बाद वो जोधपुर के लिए रवाना हो गए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए शरद बाबू डीएफओ सिरोही, इन्होंने ये कहा। एक्चुअली मुख्य वन संरक्षक जोधपुर द्वारा जिला पाली सिरोही में इंस्पेक्शन किया था जी, है ना। उसके दौरान जिला सिरोही में कल शाम को सिरोही रेंज के अंतर्गत हमने सिल्ली पैचरल प्लांटेशन में जी हमने निरीक्षण किया गया था। उसके उपरांत आज पिंडवाड़ा रेंज के अंतर्गत टीएडी के मत से हम प्लांटिंग किया था, वृक्षारोपण कार्य किया था, इसको निरीक्षण किया था जी। उसके बाद हम रेंज आबू रोड में हम वाच टावर और निरीक्षण वाच टावर को हम देख के निरीक्षण करके वापस आए। सर कितने दिन का टूर है आपका सर जिले में? बस आज अभी खत्म हो गया ना, दो दिन था, कल आज था सर। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।